Hello and welcome to the 15th episode of Mission and Vision. I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian. In this video, we will be dealing with the question how to secure a safe seat in Delhi University Faculty of Law. अब जब आप DLLB की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ एक है कि आप फैकल्टी ऑफ लॉ में आए और यहाँ पे एक सेफ सीट सिक्योर कर यहाँ से लॉ करें। अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको तीन चीज़ें बताएंगे जो एक एडमिशन को सिक्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है प्रिपरेशन, दूसरा है रिवीजन और तीसरा है मॉक टेस्ट। अगर आप इन तीनों को अच्छे से डील करते हैं तो हमारी मास्टर टिप को कंबाइन करके आप एक सेफ और सिक्योर एडमिशन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब जब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में आता है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। उसके लिए हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इन सब के लिए हमने एक 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 वीडियो बना दी है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, आपका ही फायदा है। हमें तो सिर्फ लाइक्स मिलने वाले हैं जो आप अब इस वीडियो को देख कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन को आप अभी कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप 2 गुना तैयारी कर रहे थे तो अभी 4 गुना कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हों कि आपने तैयारी की है। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप पेशेंटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अब आप इस समय में प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए आप क्या करिए, जो आपने अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, पुराने क्वेश्चन पेपरों को देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आप पढ़ रहे होते हैं वो इररिलेवेंट पढ़ रहे होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। तो अब टाइम है हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क का, और इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए आपको चाहिए होगा हमारी वीडियोज़ का साथ, हमारी टिप्स का साथ, और मास्टर टिप को तो आप कतई मत भूलिएगा। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन के लिए अभी कोई भी जो बुक्स रेफर कर रहे हैं उससे मत भटकिए। कई लोग मुझसे यह भी पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक रेफर करें, कौन सी ना करें, तो मेरा जवाब आपके लिए यही है कि आप अभी जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसी पे लगे रहें, ज्यादा बुक बदलने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें, और अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस करें, लॉजिकल रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें, लीगल अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, करंट अफेयर्स का मौका मिलता है तो मैगजीन्स पढ़ें। उसके बाद बात आती है पॉलिटी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास टाइम कम है तो फंडामेंटल राइट्स जरूर करें, प्रीएम्बल जरूर करें, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जरूर करें, अपॉइंटमेंट्स जरूर करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच जरूर करें, लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री ब्रांच जरूर करें, जजेस कौन नियुक्त होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, जजेस के काम क्या होते हैं, कोर्ट्स की पावर क्या होती है, ये जरूर पढ़ें। लेकिन इनके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये बातें तब की हैं जब आपके पास समय हो कम और तैयारी करनी हो ज्यादा। तो अब सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जिनके ऊपर आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है और जिनके ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज आपके लिए ऐसी भी लाए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज लाने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द वो भी लाएंगे। अब हम आते हैं रिवीजन पर। रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे करें वो आपके यहां पे लिंक आ रहा होगा, उसे आप देखिएगा, हाउ टू डू रिवीजन, उसे वीडियो को पूरा देखिए और रिवीजन कैसे करना है वो देखिए। अब आज के टाइम पर आपके लिए सबसे कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आज जो भी पढ़े, कल जो भी पढ़े, परसों जो भी पढ़े, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन रखे पूरे दिन में शाम को, वो होना चाहिए 1 या 1.5 घंटे का रिवीजन। उस रिवीजन में आपको क्या करना है कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है और कल क्या पढ़ा था और कल आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी नॉलेज आपको उस दिन में होनी चाहिए। तो ये रिवीजन आपको बेनिफिशियल होगा इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग में बन जाएगा माइंड एक मैप, और मैप बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तीसरा आते हैं हम मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट के लिए हम सोच रहे हैं एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ही मॉक टेस्ट दीजिए। कहीं पता चले तैयारी तो हुई नहीं है और मॉक टेस्ट में आप फंस गए हैं और मॉक टेस्ट में आपके नंबर भी कम आ रहे हैं, तो फिर आप ये सोचते रहेंगे कि यार मेरी तो तैयारी भी नहीं है, और उसकी वजह से क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे और आपके दिमाग से निकल जाएगी चीज़ें। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यह देना चाहूँगा कि आदमी हल्का सा हेल्दी होता है तब उसकी एक्सरसाइज करने की लिमिट कम हो जाती है, फिर वो कम एक्सरसाइज करता है और वो और मोटा हो जाता है, ऐसे ये साइकिल चलती जाती है। तो आप मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद आप डिप्रेस होंगे, उसके बाद आप सोचेंगे तैयारी नहीं हुई, तो इससे आपकी और तैयारी नहीं होगी। तो कोशिश करें अगर आपकी तैयारी कम है तो अभी पढ़ाई पर फोकस
कर ले, आखिरी एक या दो दिन में मॉक टेस्ट दे लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपने दो दो तीन तीन बार यूनिवर्सल एसएस गाइड पढ़ रखी है जैसे कि मेरे को कमेंट्स में दिख रहा था, तो आप मॉक टेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट आपकी जरूरत है। लेकिन मॉक टेस्ट में मत फंस जाइएगा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। तैयारी कीजिए, इस एग्जाम को हफ्ते भर में निकाला जा सकता है, लोग दो दो दिन में निकाल कर आ रहे हैं, आपके पास अभी कीमती समय है, उस समय को खराब ना करें। और आज की हमारी मास्टर टिप है ये कि एक एक सेकंड जो है वो आपका कीमती है, हर एक सेकंड को टाइमली मैनेज करें, टाइमली प्लान करें और आगे से पीछे तक का रिवीजन जरूर करें। यानी एक दिन पहले का रिवीजन और अगले दिन का फ्यूचर प्लान आपको शाम में हाथ में होना चाहिए। तो ये चीज थी हमारी आज की मास्टर टिप और इसी के साथ हम इस वीडियो करते हैं खत्म। टाइम ज्यादा लेंगे नहीं क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है, कीमती समय है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।